नमस्ते प्रणाम, हम खेसारी लाल यादव सबके पैर छू के प्रणाम कर रहा हूँ। आज सुबह आँख खुलते ही इतनी दुख भरी मैसेज मिला मुझे कि समझ में नहीं आया कि हम क्या करें। सीजन 13 में, बिग बॉस के सीजन 13 में हमारे बहुत अजीज मित्र और हमारे दोस्त भी और एक बड़े भाई की तरह सिद्धार्थ शुक्ला जी का जब न्यूज़ सुनने को मिला तो यकीन ही नहीं हो रहा था खुद पे कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैं सीजन 13 में हमारी लड़ाइयाँ भी दोनों भाइयों की हुई, वो प्यार की लड़ाइयाँ थी। और मैं जब सीजन 13 के बिग बॉस से बाहर आ रहा था तो सबसे ज़्यादा अफसोस सिद्धार्थ शुक्ला जी को ही हुआ था, क्योंकि मैं उनको बाबा बोलता था और हमारी कोई पहले से परिचय नहीं थी, लेकिन बिग बॉस के सीजन 13 में ही हमारी मुलाकात उनसे हुई। वो बड़े अच्छे इंसान भी थे, अपनी कोई भी बात निधड़क बोलते थे, और इस उम्र में जाना ये कुछ अजीब सा लगा। तो क्या बोल सकते हैं, बस मैं भगवान से ही प्रार्थना करूँगा कि उनकी आत्मा को शांति दे और ऐसे लोगों को इतनी जल्दी मत बुलाओ उस पर, क्योंकि तो अभी बहुत कुछ करना था। इस इंडस्ट्री को बहुत आशा थी उनसे, हम सबको आशा थी, एक अच्छी पर्सनालिटी के साथ एक अच्छे विचारधारा के साथ अपने जीवन को चला रहे थे। मैं उस माँ को सादर प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आज उस माँ पे क्या गुजर रही होगी, क्योंकि मैं सिद्धार्थ बाबा के माँ से भी मिला था जब फाइनल में मैं गया था, तो बड़ी प्यारी है वो। और माँ हम सब हैं आपके संग, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए कि हाँ एक बेटा गया है, ठीक है, अब ईश्वर को क्या मंजूर था नहीं जानता मैं, बट बहुत सारे बेटे आपके हैं जो आपके प्यार के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। तो दिल से ये दुख भरी बातें हैं, क्या बोल सकता हूँ मैं, बट मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करूँगा कि भगवान ऐसे अच्छे लोगों को और इतने जल्दी मत बुलाइए, ये धरती सुनी सुनी हो जाती है। थैंक यू।